नमस्ते दोस्तों, देसी काउस डॉट इन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह यूट्यूब चैनल अपने देशी गौवंशों को समर्पित है। यहाँ पे हम इस महान देशी गौवंशों के बारे में वीडियो शेयर करेंगे। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे दिया गया लिंक क्लिक कीजिए और वीडियो देखिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस करें। नमस्ते, आज हम आपको बैल की मदद से बने घरों के बारे में यह वीडियो दिखा रहे हैं, जिसमें हम नेचुरल कंक्रीट कैसे बनता है और उसका उपयोग वैदिक काल में कैसे होता था इस बारे में बता रहे हैं। यह बैलों से चलाई गई चक्की है, जिससे वैदिक प्रथाओं से कंक्रीट कैसे बनाते हैं इसका नुस्खा बताया गया है। इस चक्की में बैल एक बड़े पत्थर को गोल गोल सर्कल में घुमाकर रेती, चूना और कई जड़ी बूटियां मिक्स करके यह एक मजबूत नेचुरल कंक्रीट बनता है। इस तरह से बनाया गया कोल्ड प्रेस्ड एंड मिक्स्ड वैदिक कंक्रीट जो नेचुरल है, उसका लाइफ 200 साल बताया गया है। इस तरह की कई बड़ी इमारतें हमारे शहर बेलगाम में है, जो 200 साल से ज़्यादा पुरानी है और आज तक मजबूत खड़ी है। वहीं ये फैक्ट्री मेड कंक्रीट जो रहता है, इसका लाइफ सिर्फ 25 से 30 साल बताया गया है। यह नेचुरल कंक्रीट एनवायरमेंटली फ्रेंडली है और कम खर्चे में बनता है, जो ज़्यादा साल तक टिकाऊ है। इसमें लगने वाली जो सामग्री है वो है 75 बुट्टी रेती, 25 बुट्टी चूना, 5 बुट्टी बेल का फल, 10 केजी गुड़, 5 केजी हरड़ा जो एक जड़ी बूटी है, और 5 केजी कच्चे केले। ये केले प्लास्टर बनाने में काम आते हैं। यह सब सामग्री को ये चक्की में मिक्स कर दिया जाता है और 4 घंटे लगातार सुबह इसे गोल बैलों की मदद से घुमाया जाता है और 2 घंटे शाम को गोल गोल घुमाकर इसको एक जीव बनाया जाता है। इसे ऐसे बनने के बाद यह एक बड़े खड्डे में रखा जाता है, जिसमें से जैसे काम आगे बढ़ता है वैसा लेकर उसका उपयोग किया जाता है। इसे सिर्फ सूखने नहीं देना है, तो इसके लिए इसको बार बार दिन में 3-4 बार पानी मारते रहना चाहिए। हमारे यहाँ बने अलग अलग घर देखिए, जो इसी तरह के कंक्रीट से बने हैं, जो नेचुरल है, जो वैदिक पुरातन कालों में बताया गया है और जो ज़्यादा साल कम खर्चे में चलता है। ये नेचुरल कंक्रीट से बने घर देखिए, कितने अच्छे लगते हैं, कितने सरल और कितने सौजल लगते हैं। इसका फर्श भी गोबर से लेपा गया है। इनमें से कई घर अभी यहाँ पे हमने जो बनाए हैं, ये 10 साल से भी पुराने हैं। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें और कुछ अच्छे सुझाव हो तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।